गायों में फैले लंपी वायरस से हो रही उनकी मौत के विरोध में प्रदेशव्यापी बंद का आह्वान किया गया था, जिसका असर भी कई जगह पर देखने को मिला। गौ संगठनों की ओर से शहर के पुराना बस स्टैंड और मुख्य मार्गों से होकर उपखंड अधिकारी कार्यालय तक रैली निकालकर प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए लंपी वायरस से रोकथाम की मांग की गई। गोवंश में फैले लंपी वायरस की वजह से हजारों गोवंश की मौत से आक्रोशित संगठनों द्वारा सरकार पर इस दिशा में कोई कारगर उपाय नहीं करने के आरोप लगाते हुए इस बीमारी को महामारी घोषित करने की मांग को लेकर स्वैच्छिक बंद का आह्वान किया गया था। बंद को कई गौ संगठनों और सामाजिक संगठनों के साथ ही सर्व समाज ने भी अपना समर्थन दिया, जिसके चलते बाजार पूरी तरह से बंद नजर आए। रैली मुख्य बाजार से होकर उपखंड कार्यालय पहुंची, जहां मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर लंपी को महामारी घोषित करने की मांग की गई। प्रशासन से हमारी पहली मांग यही है कि इस महामारी को पिछले 45 दिनों से सारे संगठन सारे भाइयों द्वारा नागौर जिले में गौवंश बचाओ अभियान जारी है। 10,000 से ज़्यादा गौवंशों का इलाज कर चुके हैं हम। सारे साथीगण मिलकर ही हम ये सेवा दे रहे हैं। इसमें सरकार की हमारी कोई मदद नहीं की जा रही है। सरकार से हमारी मुख्य मांग है, लंपी पीड़ित जहाँ भी गौवंश है उनके लिए अलग से बाड़ाबंदी की जाए और उनको वहाँ पर इलाज के लिए पशु चिकित्सक की सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सरकार ने आज तक चाहे केंद्र सरकार हो चाहे राज्य सरकार हो, दोनों सरकारों ने कोई सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। इसके लिए जल्दी से जल्दी निःशुल्क वैक्सीन उपलब्ध कराएं, ताकि जितने भी आवारा बेसारा गौवंश रोड पे घूम रहे हैं उनको बचाया जा सके। आज गोरक्षक दल के युवाओं ने जो इनिशिएटिव लिया है, पूरे शहरवासियों को इन्होंने जगाने का प्रयास किया है, पूरे प्रशासन को जगाने का प्रयास किया है कि जो लंपी बीमारी से आवारा गोवंश है बुरी तरह परेशान है, उसके लिए प्रशासन जागे और उनके लिए कुछ ठोस कदम उठाए। कितने वेटरनरी डॉक्टर्स हैं, कंपाउंडर हैं, सिवाय खानापूर्ति के कागजों के अंदर ऑफिस में बैठे हैं, क्यों नहीं वो वार्ड वाइज अपना बांट करके कोई नीति बना करके कोई ठोस कदम उठाएं और उनका इलाज करें। ठीक है, इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन सेवा भाव के हिसाब से उनको घावों की केयर तो कर ही सकते हैं, कुछ और भी इंटरवेंशन जो होते हैं वो कर सकते हैं, उनकी मेडिसिन अवेलेबल करा सकते हैं। जन सहयोग से काफ़ी लोग आगे आए हैं। इन युवाओं का ही ये इनिशिएटिव है, जिसके फलस्वरूप सारी जनता जागृत हुई है आज गायों की लंपी से सेवा करने के लिए। हमारी प्रशासन से ये मांग रहेगी कि जल्द से जल्द ऐसा कोई ठोस कदम उठाएं और सब लोगों को जो डॉक्टर्स हैं उनको कहें कि इनकी चिकित्सा में अपना हाथ बटाएं और जो संक्रमित गोवंश है उसको अलग रखने की कोई व्यवस्था करें। अगर प्रशासन हमारा ये ज्ञापन नहीं मानता है तो हमारी ये है कि 48 घंटे के अंदर हम जो ऑफिसेज हैं उसके अंदर खूंटे गाड़ के और बीमार गायों को यहाँ ला करके हम खुद युवाओं के साथ सेवा में लग जाएंगे। जय जय भारत।